नमस्कार, बहुत स्वागत है देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष चराहट के आपके साथ मैं हूं आपका फ्रेंड संतोष संतोषी आज हम एक ऐसी राशि के विषय में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम कथाएंगे कि उसका प्रेम उसके प्रेम के विषय में सामने वाला उसके सद्गुणों के कारण उसे समझ ही नहीं पाता और वो राशि है मेष राशि बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं मेरा वाला प्यार चर्चा है आज मेष राशि की कुंभ राशि के मेरा वाला प्यार के अथाह सफलता के बाद हमें मालूम था कि आप लोग को पसंद आएगा जो हम एंगल लेकर के आए हैं जिस एंगल की हम चर्चा कर रहे हैं प्रेम का जो हम भावात्मक विश्लेषण लेकर आए हैं जिसके कारण भावनात्मक विश्लेषण तैयार हो रहा है वह आप सबके लिए विस्मय कारक है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह कार्यक्रम इस एंगल के साथ इतना तथ्यात्मक विश्लेषण करके आपके समक्ष रख देगा मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि ज्योतिष यहीं आकर खत्म हो जाता है शोध की पराकाष्ठा इतना पेन वही ले सकता है जिसको प्रकृति चाहेगी कि वो इतना पेन ले नहीं तो हर कोई फौरी तौर पर अपना जेब भरेगा चलब चल बसेगा तो आज मेष राशि वालों के लिए हम बता रहे हैं कि मेष राशि वाले प्रेम के मामलों में कैसे होते हैं और किस प्रकार से प्यार करते हैं इनका वाला प्यार क्या है देख रहे हैं आप मेरा वाला प्यार मेष राशि यहां हम चर्चा मूल साइन की कर रहे हैं यहां हम चर्चा लग्न से भी कैलकुलेट करके देखा जा सकता है शायद वो कई बार ज़्यादा नज़दीक भी आ जाए दोनों की डिग्री पर है तो आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है दोनों स्थितियों में इसे अवश्य देखें पुकार नाम मेष से है जैसे अमर नाम है आकांक्षा नाम है अभिलाषा नाम है आ अक्षर से नाम है देख लीजिएगा अ क्या क्या इसमें आता है तो उससे भी आप इसको कंसीडर कर सकते मेष में आपका लग्नेश पड़ा है तो भी आप इसको कंसीडर करके देख सकते हैं आप इसके करीब आ जाएंगे तो भैया मेष राशि वालों के लिए बताएं तो इनका वाला प्यार कैसा होता है शेयर करिएगा कार्यक्रम को मजा आएगा हम प्रयास यह भी कर रहे हैं कि हम एक शब्द में जैसे हमने कुंभ के लिए बोला था आपने वीडियो देखा होगा कुंभ के लिए अल्हण प्यार होता है तो मेष के लिए जो हम एक शब्द में निकाल कर ला रहे हैं कि इनका प्यार कैसा होता है तो इनका प्यार होता है पित्रात्मक प्यार पिता के जैसे प्यार करने वाले होते हैं इनके लिए जो इनका प्रेम भाव है वो सूर्य की राशि सिंह पड़ती है अब देखिएगा यहां पर हम मेष वालों को आज उछाल देंगे जो हम बताने जा रहे हैं वो एंगल मैं चैलेंज करता हूं मैं आपको ठोक के बोलता हूं कि जिस एंगल को मैं लेकर आऊंगा कोई माइका लाल ला नहीं सकता आपकी गर्लफ्रेंड आपकी पत्नी आपका बॉयफ्रेंड आपका पति अगर मेष राशि का है तो वो इसी प्रकार का है जो हम बताने जा रहे हैं आप अगर मेष राशि मेष लग्न के हैं तो आप ऐसे ही हैं जो हम बताने जा रहे हैं आप इसी प्रकार से करते हैं प्यार आपको यही प्यारा लगता है यही आपके लिए प्यार है मेरा वाला प्यार नाम देखिए ऐसे बैठे बैठे आ गया था तो मेष वालों का प्यार हमने एक शब्द में इनका जो उत्तर किया उत्तर दिया डिफाइन किया दैट इज लवर अ बॉयफ्रेंड अ हस्बैंड अ गर्लफ्रेंड अ वाइफ एंड ही शी इज लाइक हिज और हर फादर ये पिता की तरह प्यार करते हैं इनका प्यार पिता के जैसे होता है ये आपको जब प्यार करेंगे जो मेष वाले जो प्यार करते हैं उसमें एक दबदबा होता है उसमें एक बापिज्म होता है बाप बाप जैसा इस तरह के कपड़े पहन करके क्यों आ गई हो ऐसे बोलेंगे और बिल्कुल आंख बहुत सिकोड़ करके यही कपड़ा था तुम्हारे पास दस लोगों के बीच में एकदम से डांट देते हैं बाप बाप ऐसे होते हैं ना वो नहीं देखते हैं कि आसपास में आपकी बेजती हो जाएगी आपके दोस्त हैं आपके यार हैं आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं और बाद में फिर आप हड़काओ क्या यार पापा इस प्रकार से ऐसे बोल दिए आपने सबके सामने बाद में आप हड़का लेना लेकिन जिस जगह पर ये हड़काएंगे वहाँ पर ये इस प्रकार से प्रटेंड करेंगे कि आप इन्हें दबा ही नहीं सकते क्योंकि इनका बापिज्म बाप फादर फिगर एक्टिवेट रहता है ये अपना प्यार कभी दिखा नहीं पाते समथिंग लाइक फादर बाप कभी प्यार दिखा नहीं पाता आप बताओ कभी बाप प्यार दिखाता है आजकल के बाप थोड़े बहुत तो फिर भी लव यू बेटा लव यू टू डैडी हो जाता है लेकिन हम सब जिस हम सब आज तक कभी पिताजी के साथ गले भी नहीं लग पाए लेकिन प्यार बाप रे बाप खतरनाक टाइप का तो वो चीज बाप कैसे प्यार करता है तो वेश वाले अपने प्यार को कभी बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते बिकॉज द वे दे लव दैट इज लाइक पापाज लव दैट इज लाइक फादर्स लव इनको दिखा कि आप जरूरत में हैं आप आपका बॉयफ्रेंड आपका पति मेष राशि का है उसे लगा कि आपको एक बहुत जरूरत है तो वो अपना कोई सामान बेच कर के भी वो आपकी उस जरूरत को पूरी करेगा दिस इज हिज लव मेष राशि की आपकी गर्लफ्रेंड है आपकी वाइफ है उसे लगा कि आप किसी बहुत जरूरत में है वो अपना गुल्लक फोड़ देगी वो अपने मायके से पैसे का अरेंज कर लेगी और आपकी उस जरूरत को आपकी जरूरत में उस सामग्री को ला करके खड़ा कर देगी बोलेगी नहीं पिता हैं ये ये पिता हैं तो इनका प्यार सिंह राशि से संबंध रखता है दिस काइंड ऑफ लवर दे आर दिस काइंड ऑफ बी लवर दे आर ऐसे वो प्यार करते हैं ये इनका वाला प्यार है मेष वालों वाला प्यार है दिस इज समथिंग लाइक अरीज ऐसे ही ये प्यार करते हैं इनका एंगल में निकाल कर लाया हूं कल्पना नहीं कर सकते आप अगर आप मेष के आप इनकार करके दिखा दीजिए जो कहिए चैलेंज के साथ मैं हार जाऊंगा इनकार करके दिखा दीजिए आप और अगर इनकार नहीं कर सकते तो आप भी आज जितने भी आपके मेष राशि के एरीज के जितने भी आपके फ्रेंड्स हों उनको आप ये वीडियो शेयर करिएगा आपको आप देखिएगा कि वो उछल जाएंगे कि वाह दिस इज एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष इसे हैं, कहते हैं पत्थर बेचने वालों को ज्योतिष जो ज्योतिषी जो, कैसे कहा जा सकता है कुछ शोध करके लाने वालों को ज्योतिषी कहा जा सकता है क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट फिक्स मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट द नेचुरल लव मतलब अब आप सोचिए आपको नहीं पसंद है अब है मेष राशि का वो ऐसे ही है भैया अब नहीं पसंद है तो कपार फोड़ लो अपना मैं लाइफ को इजी कर रहा हूं जीवन को आसान करता है ज्योतिष आपके एक्सेप्टेंसेस को मैं बढ़ाता हूँ ज्योतिष उसको बढ़ा देता मतलब वी आर हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द प्लैनेट्स हम ग्रहों के सामने कर क्या सकते हैं बताइए आप करिए कुछ करके दिखाइए आप नेचर चेंज कर दीजिए अपने अपने पतिदेव का अपने पत्नी का आप करके दिखाइए बदल दीजिए स्वभाव हां समटाइम्स दशाएं बदलने से कुछ स्वभाव बदलता है पांच सात दस परसेंट लेकिन जड़ मूल तो वही है यही कपड़ा था ये पहन के आ गई दुपट्टा तो नहीं ले सकती थी क्या बाप कपार फोड़ लो बोलेंगे जरूर हेल्पलेस है आदमी सामने वाला बिल्कुल असहाय है तो एक हो गया पिता की तरह धमक लगा करके दहाड़ करके मतलब इस तरह का प्यार दूसरा हो गया कि मतलब जरूरत पड़ी कहेंगे नहीं और करके दिखा देंगे समय पर यह काम हंड्रेड परसेंट आए हैं अपने प्रेम के लिए ये खड़े होते हैं अपने प्रेम के लिए ये इनका वाला प्यार है ये मेष वाला प्यार है तो ये एकदम से खड़े होते हैं जब जरूरत पड़ती है अपना नुकसान करके भी मतलब प्रथम दृष्टिया इनको लॉस होता है लेकिन सामने वाला अगर ज़रूरतमंद है उसको लगता है तो ये बिल्कुल निस्वार्थ होकर के बिना किसी इस उम्मीद के कि इनको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा ये इनिशिएट करते हैं और हेल्पफुल होते हैं मदद करते हैं ये इनका वाला प्यार है इनसे बोला नहीं जाता है ये कभी कभी लिख सकते हैं आपके पीछे से वॉइस नोट भेज देंगे मेरी मेष राशि का हो अगर तो आप देखेंगे वॉइस नोट आ जाएगा सामने से कहने में इनकी हालत खराब हो जाती है इनकी आंखें बोल देंगी ये ये भावनात्मक रूप से ये बता देंगे ये इनके पास और भी विकल्प होते हैं इनका हक इनका गले लगना बहुत प्रभावी होता है यू विल फील लाइक रिलैक्स नाउ इट्स ओवर बस फुल स्टॉप समथिंग लाइक योर फादर पिता की तरह बिल्कुल रिलैक्स फील कराता है इनका हक इनका सामीप्य आपको सुरक्षित फील कराता अगर आप बहुत सेफ फील करते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के पास जाकर तो चैलेंज करके कह कर सकता हूं मैं पंचम भाव के साथ सूर्य का संबंध हंड्रेड परसेंट होगा व्हाट एवर योर मूल साइन लग्न साइन इज अगर आपके पंचम पंचमेश के साथ सूर्य का संबंध है तो यू विल फील द सेफेस्ट यू इन फ्रंट ऑफ योर प्रेमी प्रेमिका उसके सामने आप बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं सूर्य है फिर उसके आगे क्या है मतलब आप राजा के पास हैं ना तो आप सुरक्षित तो रह करेंगे बहुत नेचुरल है तो हमें जो फीलिंग्स आती है हमें जो और प्रभावित करता है वो और बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स प्रभावित करता है आप बहुत सेफ फील करते हैं जब अगर आपका प्रेमी आपका आपकी प्रेमिका सिंह माफ़ कीजिएगा मेष लग्न मेष राशि की है तो उसके करीब जाकर के आप बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं या उसका दूसरा एंगल हमने ये बताया कि अगर आप बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके सामने वाला मेष लग्न मेष राशि का होगा ये इनका वाला प्यार है ये मेष वाला प्यार है मेष वाले बोल सकते हैं हां ये मेरा वाला प्यार है ऐसे आपसे घंटों बात नहीं करेंगे महीनों बात नहीं करेंगे अब अब आप किसी से बात करके दिखा दीजिए उस बीच में इन्हें अगर पता चल जाता है आपका कहीं किसी और के साथ कुछ बातचीत शुरू हो गई है चाहे महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए मैं बता रहा हूं दोनों वाला मेष अगर आपकी है और इनका सामने वाला किसी से बतिया ले तो ये जान लेने पे आमादा हो जाते मतलब दे कांट इवेंट अलाउ थिंकिंग अबाउट अदर्स बात तो बहुत दूर की बात है आप सोच भी नहीं सकते किसी और के बारे में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते राजयोग इनका एक्टिवेट हो जाता पंचम भाव में सूर्य की राशि है ये प्रेम को हथियाना जानते हैं ये अपने प्रेम को पाने के लिए साम दाम दंड भेद चारों हथखंडे अपना सकते हैं इनका एक एंगल ये भी होता है क्योंकि इनके अंदर प्रेम के प्रति जो भाव होता है वो बिल्कुल एग्रेशन के साथ होता है और एकाधिकारत्व तो का होता है एकाधिकार बस हमारा टाइप का राजा राजा वही भाव है राजा बिल्कुल उसी भाव के साथ चलता है तो ये बहुत एक ढांसू यह भी एक इनका इनका वाला प्यार है ऐसा भी है इनका वाला प्यार ये भी है ये अपने रिश्ते को हमेशा अप फ्रंट लाइन पे रखना पसंद करते हैं ये मतलब जल्दी बता देते हैं अपने प्रेम के बारे में आ, मैंने यहां तक देखा कि अगर मेष राशि का कोई पुरुष है और उसका पत्नी के अलावा किसी और के साथ भी संबंध है तो वो अपनी पत्नी से बता देता है मैंने यहाँ तक देखा है कि ये बताने में भरोसा रखते हैं और ये बता देते हैं कि मतलब ये एक्सप्रेसिव होते हैं ये प्रकाश में ला देते हैं चीज़ों को क्योंकि पंचम भाव का संबंध सूर्य से होता है तो ये अपनी उस चीज़ को लाइट में ला देते हैं कि हाँ ये है मतलब ये उसको बहुत ज़्यादा दबाव भी में रहते हैं तो भी ये कोशिश करते हैं कि पता ही दें क्या बता देते हैं यार ठीक ही रहेगा ये ऐसा सोचते हैं बता देते बहुतों को बता देते मतलब जहां लगता कि यार बहुत बिगड़ जाएगा नहीं बताना चाहिए वहां पर भी बहुत घुटन में लेकर के इस विषय को रहेंगे लेकिन बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं बता देते हैं। ऐसा कुछ ऐसे हैं ये ऐसा ऐसा इनका व्यक्तित्व होता ऐसा है ऐसा ये सोचते हैं मेष वालों वाला ये प्यार है मेष राशि मेष लग्न दोनों के लिए हम बता रहे हैं आज बहुत रोचकता से आप इसको समझ भी रहे होंगे और मुझे पता है कि ये आपके दिल के करीब पहुंचा है मेरा वीडियो चलते चलते और हम बता दें कि मेष वालों का प्यार 90 परसेंट सामने वाले कभी समझ नहीं पाए यह इनके वाले प्यार की एक विडंबना है कभी समझ नहीं पाते सामने वाले क्योंकि उस लेबल पर जाकर नहीं सोच पाते जिस लेबल पर जाकर आप प्यार कर जाते हैं वहां तक सामने वाला ससुराल सोच ही नहीं पाएगा बाबू जहां पर तुम जाके टूट के प्यार कर आए हो देखिए कितना नज़दीक हम पहुंच जाते हैं आपके दिल के ना तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं इसका तो कोई अंत ही नहीं होता है प्रेम का लेकिन हमने जो बताया है इसको आप समझें और इसी तरह से आप काम करें बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन की घंटी भी बज रही है आज के लिए इतना ही कल बताएंगे हम विषम राशि वालों के लिए कि आपका प्यार कैसा होता है और आप किस तरह से प्यार करते हैं मेरा वाला प्यार देखते रहिए और दिल को छूए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा शुक्रिया थैंक यू सो मच नमस्कार श्रीरादी आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीप समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल धन हेतु महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशियां अनेक you <music>